गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि जेईएस से बचाव की तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। सभी पीएससी सीएससी को प्रभावशाली बनाया गया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वहीं पर इलाज किया जा सके। मंडलायुक्त ने कहा कि जेईएस के बचाव के लिए लोगों में जागरूकता किया जा रहा है। जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स भी अपनी तैयारी में जुटी है, जिससे कोई भी बच्चा बीमार ना हो और किसी की भी मौत ना होने पाए। इसके लिए सभी विभागों को अलर्ट किया गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जो घटना बिहार राज्य में हुई वो हमारे यहाँ ना होने पाए। हम शुरुआती दौर में ही इस पर काबू पा लेंगे। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, देखिए जैसा कि आपको पता है कि गोरखपुर मंडल में हमने वैसे भी AES और JEE से निपटने के लिए काफ़ी तैयारियां की गई हैं। पिछले साल भी 10 तक एक अभियान हमने किया था, जिसमें कि हमने कन्वर्जेंस किया है, हमने डिफरेंट विभागों को कोऑर्डिनेट करने की प्रयास किया है, चाहे वो पंचायती हो, चाहे वो मत्स्य विभाग हो। प्रशासन ने लीड लेके स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग, इन सबको लेके आगे बढ़ने की कोशिश की है, जिससे कि जागरूकता बढ़े। सो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों स्टेप पर काम हुआ है। प्रिवेंटिव ये है कि हमारी अवेयरनेस अच्छी हो, और क्यूरेटिव ये है कि हमने मिनी पीकू दिया, पीकू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हो गए, ETC हो गए। तो ये जो सरकार की तरफ से स्पेशली स्वास्थ्य विभाग ने जो ये कदम उठाए हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि धरातल पर उतारें और लोगों को पता चले। सो इसी संबंध में काफ़ी बैठकें हो रही हैं। मंडली स्तर की टास्क फोर्स है, जिलाधिकारियों ने जिला स्तर की अपनी टास्क फोर्स की मीटिंग की है, रिव्यू किया है, पार्टनर एजेंसीज हैं, यूनिसेफ, पाज, ये लोग जितने हैं इनसे भी बात किए, इनका फीडबैक लिया, और प्रयास ये चल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करें, प्रिवेंटिव करें, और जिससे कि हमें कोई भी तकलीफ ना आए, कोई भी बच्चा बीमार ना हो, और यदि बीमार होता है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो। जो आपको जैसा कि आपने कहा, इसका भी अभियान चलने वाला है, जिसमें कि सभी विभागों की पार्टिसिपेशन पर जोर दिया गया है। आई थिंक सारे DM ने अपने अपने स्तर पर बैठक कर ली, और हम अपने स्तर से भी मॉनिटर करेंगे। इनफैक्ट मैं खुद भी और जिलों में जाके देखूंगा कि ये कैसे चल रहा है। तो आशा है कि इन सभी वजहों से और इन सभी कदमों से जो बिहार राज्य में चीज़ें हुई हैं वो हमारे यहाँ नहीं होंगी, और हम प्रिवेंटिव स्तर पर ही इस चीज़ को टैकल कर पाएंगे।